वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि आर्मी चीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे से कहा कि वोट लेते वक्त असेंबलियां हलाल और नाकामी पर हराम हो जाती हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद की पार्लियामानी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात के हवाले से कहना है कि पार्लियामानी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में आर्मी चीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे से कहा था कि अगर सदारती वोट लेना हो तो असम्बलियाँ हलाल हो जाती हैं और अगर नाकाम हो तो असम्बलियाँ हराम हो जाती हैं। शेख रशीद का कहना था कि आर्मी चीफ ने कहा कि हमें किसी मसले में ना लाएं, सियासी मामलात आप जानें और आपका काम जानें, सियासत फौज का काम नहीं। जनरल कमर जावेद बाजवा का ये भी कहना था कि हमें सिविल हुकूमत बुलाएगी तो लब्बैक कहेंगे। कि हमें आप किसी मसले में ना लाएं, आप जाने और आपका काम जाने, नैब का चेयरमैन आपने लगाया, इलेक्शन कमीशन आपने लगाया, रिफॉर्म्स आपने करनी है, मामलात आपने तय करने हैं, हमें कोई सिविल हुकूमत बुलाएगी तो हम लब्बैक कहेंगे। जो भी हुकूमत होगी फौज उसको लब्बैक कहेगी। उन्होंने कहा कल आपकी अगर हुकूमत होगी तो फौज आपका भी फैसला मानेगी, लेकिन फौज को खामखा मसलों में मत घसीटें। अपोजिशन के असम्बलियों से इस्तीफों से मुतालिक शेख रशीद ने दावा किया कि मुझसे लिखवा लें कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देगी। शेख रशीद अहमद ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन की रात अस्करी क़्यादत को फ़ोन किया, इस पर अस्करी क़्यादत ने ख्वाजा आसिफ को यकीन दिलाया कि धांधली नहीं होगी। देखें, जमहूरियत में सड़कों पे आना, ये कैमरा कैमरा खेल रहे हैं, सड़कों पे तो जाएंगे, जलसे जलसे करेंगे। पीपल्स पार्टी को तो जी मेरा रिकॉर्ड रख ले, वो इस्तीफा नहीं देगी। लाते हैं ये फजलुर रहमान ऊपर करे, सर नीचे करे, सर नीचे करे, लाते ऊपर करे फजलुर रहमान, वो सिंध की असम्बली से इस्तीफा नहीं देंगे।